आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नमिता कांडपाल और आज हमारे यहाँ पर मेरी एक सास की 13वीं है। आज उन्हें जहाँ पर पितरों का निश्चित स्थान है वहीं पर उन्हें रखा जाएगा। साथ में आज से हम लोग शुद्ध हो जाएंगे क्योंकि इन 12 दिनों के बीच में हमने सरसों का तेल, हल्दी, काली कोई भी दाल हो उसका यूज, कई सारी चीज़ों को वर्जित करना था। तो आज से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आज पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी कांडपाल हैं, सभी अपने घरों से पितरों के नाम पे आटा, चावल, दूध, दही, सब्जी, जिससे जो हो सकता है वो सारी चीज़ें लाते हैं और इसका यूज भोज बनाने में किया जाता है क्योंकि आज सभी के लिए खाना यहीं पर होता है। तो ये सारी चीज़ें भोज में यूज की जाती हैं और इस भोज को पितृ प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर ये मीठा भात बन रहा है जिसे गुड़ डाल करके बनाया जाता है। ये पूरी बनाने के लिए आटा यहाँ पर गूंथा जा रहा है। गांव वालों ने खाना खा लिया है और सबसे लास्ट में जो खाना बांटने का काम करते हैं वो खाते हैं। अब ये बर्तन धो दिए हैं, साथ में चाय पियेंगे और सभी अपने घरों को चले जाएंगे।